मैं आज इस बात की भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की सराहना करना चाहती हूँ कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स जो हैं उनको अटल पेंशन योजना के अंतर्गत संरक्षण देने के प्रयास में हमने देखा कि 1 करोड़ नागरिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर अटल पेंशन योजना से जुड़ा ताकि उनका भविष्य आर्थिक रूप से हम सशक्त और सुरक्षित कर सकें। कि विपक्षी पार्टियों का एक होना अपने स्वार्थ के लिए भारत के नागरिकों को ये संकेत है कि उन्हें अपने सस्टेनेंस और खुद को जीवित रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। भारत के नागरिकों के लिए विपक्ष ये भी संकेत दे रहा है कि सभी विपक्षी पार्टियों में इतना दमखम नहीं है कि वो अकेले अपने किसी आइडियोलॉजी, अकेले अपने किसी पॉलिसी प्रोग्राम या अकेले अपने किसी लीडरशिप के आधार पर हिंदुस्तान का दिल जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का एक होना अपने आप में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी और उनकी पॉलिटिकल प्रोविस का सबसे बड़ा संकेत और उदाहरण है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री को ये बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट दिया है कि उनमें अकेले लड़ने में दम नहीं है। अगर आप यूपीए के कार्यकाल में हर वर्ष की बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखें तो आपके ध्यान में आएगा कि हर वर्ष कांग्रेस नेत यूपीए के कार्यकाल में पेट्रोल के दाम 4 रुपए से ज्यादा प्रतिवर्ष बढ़े थे। भारतीय जनता पार्टी नेत एनडीए के कार्यकाल में ये इसको हमने कंट्रोल करके लगभग 1 रुपए तक सीमित रखा है। हम सब ये जानते हैं कि ओपेक जो एक इंटरनेशनल संस्थान है उसमें ऑयल प्रोडक्शन के संदर्भ में और उस ऑयल प्रोडक्शन को अगर कटेल करने का प्रयास किया गया, कम करने का प्रयास किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस प्रकार से ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, ये सारे ऐसे फैसेट्स हैं जिसके माध्यम से हमारे इकोनॉमी में ऑयल की दृष्टि से एक इम्पैक्ट पड़ता है। आप ये भी भली भांति इस बात से अवगत होंगे कि एक तरफ हमारा डेट था ऑयल का जिसे पे ऑफ करना है, दूसरी तरफ कई राज्य की सरकारें हैं जो आकर इस दबाव को हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं उनसे कम करने का प्रयास करते हैं। एक कदम गुजरात की सरकार ने भी उठाया जिसकी वजह से एक्सचेकर पर प्रतिवर्ष 2000 करोड़ का एक बर्डन आया था। तो केंद्र और प्रदेश की सरकारें कीमतों पर नियंत्रण पाने का विधिवत प्रयास कर रही हैं।